नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हटा पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ वन परिक्षेत्र और मड़ियादो वन परिक्षेत्र की सीमा पर करीबरा और ब्रजपानी के जंगल में करीब आधा दर्जन शिकारियों ने करंट लगाकर नीलगाय का शिकार कर दिया। शिकार की सूचना मिलते ही किशनगढ़ व मड़ियादो वन परिक्षेत्र की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कब्जे से नीलगाय का कटा हुआ सर, खाल अवशेष, फंदा, डोरी, कुल्हाड़ी सहित बड़ी मात्रा में वन्य जीवों के अवशेष सामग्री बरामद की है। पकड़े गए आरोपी झरबरा थाना किशनगढ़ के बताए जा रहे हैं। आरोपियों पर वन जीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और चार अन्य आरोपी मौके से फरार बताए गए हैं। किशनगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह नरगेश कौर, अधिकारी कैलाश बामनिया, मड़ियादो रेंज अधिकारी हरिंद्र हरि भार्गव की संयुक्त कार्रवाई में पूरे मामले की जांच जारी है। वन अमले को झरबरा गांव निवासी कुछ लोगों द्वारा शिकार की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन अमले ने जंगल की सर्चिंग कर आरोपियों को पकड़कर मड़ियादो थाने लाया गया, जहां पूरे मामले की जांच जारी है। पन्ना टाइगर रिजर्व से स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई है। शिकारियों के मामले में अन्य खुलासे हो सकते हैं। 21 को सुबह मुखबिर से परिक्षेत्र अधिकारी किशनगढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झबररा के निकट, जो कि मड़ियादो के पीएफ 369 के निकट है, उसमें शिकार हुआ है। इसकी सूचना पर परिक्षेत्र किशनगढ़ कोर, किशनगढ़ बफर और मड़ियादो के अमले ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान दो आरोपी लक्ष्मण हीरा आदिवासी, मिट्टीलाल दुर्जन आदिवासी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। शिकार की सुसंगत धाराओं में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इनके मामला दर्ज किया गया। चार आरोपी अभी फरार हैं और प्रकरण में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। उनके पास से एक मृत नीलगाय का कटा हुआ सिर, उसकी खाल और सूखे हुए मांस के टुकड़े, अपराध में प्रयुक्त उपकरण और दूसरी कई शिकार में उपयोगी सामग्री कई स्थानों से जब्त हुई। हटा से खबर समय जगत के लिए भूपेन्द्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।